ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतुमस्तु मा विद्विषावहै हवन का महत्व न समझने वाले एक मित्र ने मुझसे जिज्ञासा की कि आप जो ये हवन करते हैं इसका लाभ क्या है और हिंदू धर्म में क्या हवन करना आवश्यक है। मैंने उनसे पूछा, रात को आप मच्छरों को भगाने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल करते हैं या एक मशीन लगाते हैं, क्या उसका प्रयोग आपके धर्म में आवश्यक बताया गया है? वे बोले, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मच्छरों को भगाने की मशीन का धर्म से क्या संबंध? मैंने कहा, फिर यह क्या है? उन्होंने कहा, यह तो एक ट्रीटमेंट है उन मच्छरों को भगाने के लिए। मैंने कहा, अरे आप तो बहुत समझदार हैं। बिल्कुल इसी तरह से हवन भी एक ट्रीटमेंट है, ये एक उपचार है घर के परिवेश के अंदर की नकारात्मकता को भगाने का। यदि मैं आपको विज्ञान की भाषा में समझाऊं, क्योंकि अध्यात्म की भाषा आप अभी नहीं समझेंगे, विज्ञान की भाषा में यदि कहा जाए तो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं घर के अंदर, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, हवन के बाद वे सब वहां से डिसॉल्व हो जाती हैं या घर से बाहर हवन की दिव्यता और उसके पवित्र धुएँ से बाहर भगा दी जाती हैं, तो घर बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और बहुत हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा, इसको हम कैसे महसूस करें? मैंने कहा, आप प्रयोग करना चाहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ करना चाहूँगा। तो मैंने उनको दो एक्सपेरिमेंट करने को दिए। पहले एक्सपेरिमेंट में जब वे अपने घर गए तो उनको कहा, एक कढ़ाई में आप तेल डालिए, गर्म कीजिए। उन्होंने तेल डाला, गर्म किया। मैंने कहा, अब इसमें आप एक चम्मच मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, पिसी हुई मिर्च। तो उन्होंने मिसी हुई मिर्च डाल दी और मिर्च डालने के बाद उनका थोड़ी ही देर में मुझे फ़ोन आ गया कि आपने ये क्या करवा दिया, पूरे घर के लोगों का खांस खांस के बुरा हाल है, आंखें लाल हो गई हैं और सारे एग्जॉस्ट फैन हमें चलाने पड़े हैं, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये पहले प्रयोग का हिस्सा था, अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे। अब दूसरे प्रयोग में आप हवन कीजिए घर में, पूरी तरह से विधि समझा के किस तरह से हवन किया जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या क्या इस्तेमाल होता है हवन में। मैंने कहा, अब आप इस हवन को कीजिए। उन्होंने हवन किया और जब हवन पूर्ण हो गया तब उनका फ़ोन आया कि हम हवन कर चुके हैं। तो मैंने कहा, अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि जब आपने मिर्च डाली थी तब क्या हुआ था और अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है हवन करके, मन शांत है और पूरे घर के अंदर एक सुगंधित वातावरण बन गया है। मैंने कहा, इसको कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी आपके लिए पुष्टता देगा, ये शक्ति देगा। अब आप दोनों का अध्ययन देखिए, जब आपने मिर्च डाली तो उसका परिणाम हुआ ना सामने, तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो इमिजिएटली आपको पता लग गए। ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इनको आने में थोड़ा सा समय लगता है। हमारा घर, हम रोज़ उसमें झाड़ू पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, धूल वगैरह सब झाड़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जो नकारात्मक वायु है, नेगेटिव
या हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और इत्यादि, वो बहुत सी गैसें जो हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनके लिए ये जो यज्ञ का धुआं है, यज्ञ का यह धुआं उन सब के लिए एक एंटीवायरस का काम करता है। ये आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने महान प्रयोग किए और ये जाना कि हवन के अंदर जब हम अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां डालते हैं तो उन जड़ी बूटियों के प्रभाव से जो चारों तरफ का वातावरण होता है उसके अंदर वे कीटाणु भी, रोगाणु, रोग के वे अणु, कीट पतंगे जो हानिकारक है मनुष्य के लिए, वे सब इससे नष्ट हो जाते हैं और वातावरण पूरा का पूरा पवित्र हो जाता है। आपने दोनों धुएं देखे, मिर्च का धुआं भी देखा और इसका भी महसूस किया, लेकिन इसके धुएं से आपको कुछ भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। तो उन्हें बात समझ में आने लगी और उन्होंने कहा कि सच में ये बात तो मैंने आज जानी नहीं थी। और मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप धर्म से जोड़ कर ना चलें। विज्ञान के बहुत सारे आविष्कार हैं, सारे पश्चिम में हुए। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये जो विज्ञान के आविष्कार हुए इनको हम इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये पश्चिम के उन धर्म के लोगों ने किए हैं। आप कभी नहीं कहते। आप घर में लाइट भी जलाते हैं, टेलीफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये सब चीज़ें दूसरे धर्म के लोगों ने बनाई हैं, पश्चिमी देशों के या भारत से बाहर के लोगों के, या उन लोगों ने जिनका धर्म हमारे धर्म से बिल्कुल नहीं मिलता। तो क्या हमने ये कह दिया कि हम इन वस्तुओं का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरे धर्म के लोगों ने बनाई है? यहाँ धर्म की बात नहीं है, वे वैज्ञानिक हैं सारे, और वैज्ञानिक एकदम तटस्थ होता है, उसका कोई धर्म नहीं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों इन छोटी छोटी सी मान्यताओं से ऊपर उठे हैं। धर्म की जो छोटी छोटी परंपराएं हैं वो अलग होती है, किसी त्यौहार, किसी रीति रिवाज को अपने अनुसार मनाना, वहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारा त्यौहार है, हमारे धर्म का है, हम इसे इस प्रकार मनाते हैं। अब जैसे योग है, योग की क्रियाएं कोई हिंदू धर्म से थोड़ी ना है संबंधित, ये विज्ञान से संबंधित हैं। ये बात अलग है कि इसकी आविष्कारक वे लोग हुए जो ऋषि मुनि थे, जैसे वैज्ञानिक चीज़ों के आविष्कारक, कंप्यूटर के आविष्कारक पश्चिमी देश हैं। तो इन बात को जरा गहराई से समझें। और कहा गया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जो शुभ हैं उसको लेने के लिए प्रयत्नशील रहें।